चंबा जिला के तीसा के तहत आने वाले क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी होने के बाद फोन नेटवर्क सुविधा नियमित रूप से काम नहीं कर पा रही है। इसी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि इन इलाकों में केवल एक ही कंपनी का नेटवर्क टावर है। तीसा के तहत आने वाले क्षेत्रों में फोन नेटवर्क सुविधा पिछले कई दिनों से गुल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों में बर्फबारी होने के बाद तो उनका संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट ही जाता है, जबकि ऐसे में अगर दूर संचार सिग्नल उन्हें मुहैया ना हो पाया तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उन्हें सामान्य हालात में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत अधिक बर्फबारी होने से उनके मोबाइल फोन बंद ही हो जाते हैं, ऐसे में उनका अन्य लोगों से संपर्क कट ही जाता है। उन्होंने मांग की कि वहां अन्य कंपनियों के टावरों को लगाया जाए ताकि उन्हें परेशानियां न उठानी पड़े। नेटवर्क नहीं आता है, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, रिलायंस, कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। यहाँ पर 20 से 22 पंचायत हैं, तो हमें दो दो तीन तीन किलोमीटर चढ़कर कई ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद, सर्च करने के बाद भी आता नेटवर्क। बहुत ही प्रॉब्लम है। सरकार से ये दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द कोई भी टावर लगाने की। सिग्नल न आने से स्थानीय लोगों में बहुत रोष है। ग्रामीणों को दूसरे स्थान पर फोन करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और जरूरी बात करने के लिए लोगों को बहुत ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर किसी दूसरे टावर के सिग्नल से बात करनी पड़ती है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।